हेलो, आपका स्वागत है बुकी स्टॉक चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आको बागो के 10वें एपिसोड के बारे में, जिसकी कहानी है कमड़ा। हाँ दोस्तों, एक कमड़ा नाम है और एक लड़की रहती है इसमें, जिसकी जिंदगी एक कमड़ा बन के रह जाती है। एक कमड़ा कहे तो वो मतलब कहीं आ जा नहीं पाती, हालांकि वो लड़की जो है विकलांग रहती है, अच्छे से चल फिर नहीं पाती है और वो उसे कोई पसंद नहीं करता। जब तक वो थी घर में तो उसे लंगड़े लूले उसी टाइप के लड़के पसंद करने आते थे शादी ब्याह के लिए, पर वो सोची कि मुझे इससे बाहर निकलना, और वो मेहनत करती रही और उसे सरकारी नौकरी की जॉब लग गई। हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी, आप लोग जो जानते हैं सरकारी नौकरी की कितनी वैल्यू है आजकल के टाइम पे। हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, और वो भी लड़की को मिली थी और लड़का उसके पीछे आ रहा था। यार ये कैसी चीज़ है, एक लड़का एक लड़की के पीछे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आ रहा है। और जब उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसके घर पे अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आने लगते हैं, फिर भी वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे मेरी ज़रूरत हर किसी को हो गई। जब मैं ठीक नहीं थी, मुझे नौकरी नहीं लगी थी तो किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि सब पैसों का खेल है। तो वो कुछ नहीं करती, वो घर वालों को बातों को भी टाल देती है और घर वाले यही सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल गई है। और जब उसे नौकरी लगती है तो वो रोज़ आने जाने लगती है ऑफिस, वहाँ पर ट्रेनिंग्स होते हैं, तो उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब अच्छी हो रही है, मैं कमरे से बाहर जा सकती हूँ। बचपन से जो एक कमरे में बंद थी, एक कमरे में सुकून ढूंढ रही थी, एक कमरे में जो देखना चाहती थी वो नहीं जी पा रही थी, वो ज़िंदगी नहीं जी पा रही थी, अब मैं जी पाऊँगी। हालांकि उसे जब वो नौकरी पकड़ती है तो उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं, पर उसमें से दो लड़का रहता है, एक लड़का रहता है और एक लड़की, जो कि उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहीं घूमने जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और वो जो एक लड़का रहता है उसके और उसके उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई रहती है, प्रैक्टिकली रिलेशनशिप में आ जाते हैं, पर ये नहीं कि फुल्ली आ गए कि मुझे अब उसके साथ ही रहना है। लड़का से जब लड़की पूछती है कि क्या तुम ऐसे मतलब अब क्या यहाँ से, अब मतलब जाने का टाइम हो गया तो वहाँ से ट्रेनिंग से, तो वो कहते हैं अब क्या, अब फिर कभी जैसी प्रभु की कृपा, अगर फिर मिला है तो मिल लेंगे। लड़की को ये सुनकर बुरा तो लगा फिर, लेकिन उसे अच्छा भी लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वो उसे कोई पसंद करता था। और फिर वो अपने शहर चली गई और उसके एक कज़न थी, उसके कोई रिश्तेदार की बेटी, तो उसे इसकी उस लड़की को ये जो प्रेरणा थी, उसकी नाम कुछ था, तो मतलब उससे प्रेरणा मिली और उसके लिए उससे सीखने के लिए कैसे पढ़ते हैं कैसे करते हैं वो इसके घर आ गई। इसने भी उसकी बहुत मदद की, इसे लगा कि मेरी कोई ज़िंदगी वापस आ गई जिसे मैं कुछ बना सकती हूँ, कुछ पढ़ा लिखा के कुछ करा सकती हूँ जिससे कि वो भी खुश रहेगी। और वो चाहते थे कि उस लड़की को मुझसे भी अच्छी नौकरी मिले ताकि मुझे लगे कि मेरा सपना साकार हो गया। फिर वहाँ पे जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे वो दोनों एकदम से खुशी खुशी थी, एकदम से कोई दिक्कत नहीं। उसके पास बहुत सारे लड़के के रिश्ते थे, पर उसने उस लड़की को तो उस शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया। एक दिन जब वो जो लड़का उससे ट्रेनिंग में मिला था, वो लड़का जहाँ पे आता है उसे पता चला कि लड़की भी यही है, तो उसे वो लड़का ऐसे कांटेक्ट करता है और घर पे ये अपने बुला लेती है। घर पे बुलाने के बाद वो जो लड़की रहती है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो एक कमरे में जाके रोती रहती है और ये लड़के के साथ सो जाती है। और सुबह उठते ही वो लड़के को जाने के लिए कह देती है और वो उसे अपनी बहन के पास जाती है जो रो रही होती है, और उसे पकड़ के सो जाती है। उसके बाद जब उसकी बहन एग्ज़ाम देती है तो उसके इससे भी अच्छे नंबर आते हैं और SDO बन जाती है, शायद SDO की पोस्ट उसे मिल जाती है। उसके बाद दोनों खुश रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मतलब एक तरह समझ ले कि एक लेस्बियन के रिश्ते को इसमें दिखाया गया है, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते। वो लड़की जो उसकी कज़न रहती है, चचेरी बहन, वो अपने घर जाती है, पर एक दो दिन में ही उसे लगता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। फिर उसने दुनिया के रिश्ते तोड़कर दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं। हर कोई खिलाफ रहता है, उसके शादी में भी कोई नहीं आता है, और दोनों जब शादी करके आते हैं तो एक साल के अंदर वो दोनों को रिश्ता तोड़ना पड़ जाता है क्योंकि दोनों अलग अलग लड़के से मिलने लगते हैं, दोनों को एक दूसरे में अब थोड़ा लगता है कि इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। पर जब इसे कोई दिक्कत नहीं थी इस लड़की को जिसने उसे पढ़ाया था, पर जो SDO थी
उसको किसी से शायद प्यार हो गया तो उससे ही शादी कर ली। हालांकि एक साल बाद उसके रिश्ते में थोड़ी दिक्कत आने लगे, तो वो मतलब यहाँ आती है एक दिन और इसे ये अपने घर में अकेले रहती है, एक कमरा खाली रहता है और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो पहले की तरह हो गई, कमरे की तरह जो कि एकदम पूरी खाली है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करने लगी और अब रोती भी नहीं थी वो। और एक दिन जब उसकी दो चचेरी बहन सुबह सुबह डोरबेल बजाती है तो वो जब खोलती है देखती कि उसकी बहन है, जब वो अंदर आती है तो दोनों वो रोते रहती है, बहुत रोती, पर ये एक जरा भी नहीं रोती, एक बूंद आंसू तक नहीं गिरती इसके आँख से। और वो बोलती कि क्या हम साथ रह सकते हैं, तभी ये पूछती कि तुम्हारे रिश्ते में क्या हुआ, तो वो कहती है कि वो लड़का सिर्फ मेरी सरकारी नौकरी की वजह से मुझसे शादी किया था, प्यार व्यार कुछ नहीं था। तो वो कहती है क्या हम लोग साथ रह सकते हैं, तो वो लड़की जो सरकारी नौकरी रहती है और जो SDO रहती है तो SDO को बोलती है कि अब हम फिर से अगली बार से यहाँ मत आना, अब जाओ तुम, और उसे ट्रेन पर बैठा के चली जाती है। और वो अपने कमरे में खुशी से रहने लगती है और उसे लगता है कि यही मेरा जीवन है और ये कमरे में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यही कि एक लड़की की कहानी जिसे कोई समझ नहीं सका, और समझे भी क्यों भाई, तुमने भी तो अपनी जिद रखी थी कि मुझे शादी नहीं करना, और उसने भी जिद कोई ख़राब नहीं रखी थी। जब उसके नौकरी लग गए तो अच्छे लड़के आ रहे थे, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से, ना ही प्यार था ना ही कुछ और। और जिसे वो उस लड़के को जिससे प्यार हुआ था वो भी उससे सिर्फ रिलेशनशिप रखना चाहता था, शादी वगैरह कुछ नहीं। तो वो भी एक तरह से ठीक ही थी। आप लोगों की कहानी कैसा लगा, आप लोग अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए नए बुक्स के रिव्यू अनबॉक्सिंग के बारे में जानने के लिए आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर वीक ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स।